बहुत धन्यवाद। तारीख 28 अक्टूबर 2023 समय हो गया है 1:23:31 PM। तो अब जो मैं पूरी बात बताता हूँ ना आपको, अंग्रेजी समझ नहीं आई होगी कई लोगों में, हाँ तो हिंदी में ये है कि पाकिस्तान में जो हैकिंग यूनिवर्सिटी चला रही थी ना बैठ के मरियम नवाज शरीफ, नहीं पता आपको, यूनिवर्सिटी कॉलेज विश्वविद्यालय हैकिंग मोबाइल फ़ोन हैक करवा लो इनसे, ठीक है, जो चोरी के मोबाइल फ़ोन होते हैं ना स्नैचिंग वाले, स्नैचिंग कर लिए, जेब से निकाल लिए, जो इसके जलसों में जो इसके जेब कतरे घूमते हैं, हाँ उनके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप लूट के, जहर खुरानी वालों से सामान खरीद के, उनके लॉक तोड़ना, हैक करना, फॉर्मेट करना, सॉफ्टवेयर करना, एप्पल का लॉक तो खुलवा लो, कौन सी बड़ी बात है, ये क्या है, हम खोल देंगे क्यों। तो ये सब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा था बड़े आराम से हितेश रेवन की आईडी में, और डब्बे लगा लगा करके पासवर्ड फॉरवर्ड लेना और फिर उस पासवर्ड से लॉगिन कर लेना हैं, और फिर उससे नहीं पोर्नोग्राफिक लिख करके किसी औरत को ट्वीट कर देना कि मान लो मैं पाकिस्तान में किसी और महिला से बात कर रहा हूँ, तो ये इतनी नीच किस्म की औरत है ये मरियम नवाज शरीफ, इतनी नीच है कि इसने उस महिला को मेरे ट्विटर हैंडल से लॉगिन करके सेक्सुअल कमेंट कर दिए, मेरी आईडी हो गई डिसमिस। मैं ऐसा करता नहीं, पर जो ट्वीट मैंने किया वो खुद मैडम कैरी करी, ये तो ट्वीट इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो वर्ड्स है यार, ये तो समझने वाली बात है, ये किसने किया है, ये काम करने वाली मरियम नवाज शरीफ थी लाहौर यूनिवर्सिटी, इतनी नीच किस्म की गंदे दिमाग की औरत है ये। अब ये किम्मू हो अम्मू हो लम्मू हो चम्मू हो ढम्मू हो भम्मू हो मुझे नहीं पता, लॉग इन करके, और मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, हम तो इंटरपोल, नहीं हम तो इंटरपोल में ऐसे ऐसी करा रहे हैं ना, हम तो इंटरपोल में है नहीं ना फिर क्यों, इंटरपोल 946, तू अगर ट्रेस हो गई ना, मैं तुझे पकड़ना तो जिंदा है, चाहे कुछ हो जाए मरियम नवाज, तुझे जिंदा पकड़ना है, तू अगर हाथ चढ़ गई ना किसी बात के लिए, तुझे कुछ कही ना हो इस हरकत के लिए, तेरी तेरे तेरा वो कुटावा चढ़ाऊंगा ना मैं, इस इतनी गंदी किस्म की औरत है ये, वो पाकिस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लॉग इन करके मेरे पासवर्ड से इसने उसे पोर्नोग्राफिक वीडियो भेज दी, बस वहां केस रजिस्टर्ड करके पंजाब पुलिस से भेज दिया, और यहाँ पीएमओ को भेज दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, ट्वीट का लिंक भेज दिया, और पटाफट डिलीट कर दिया, मैं यहाँ सोया हुआ था, चलिए अभी ये सोया हुआ है, तेरे पे अगर पाइप ना तोड़ दिया ना मैंने, पकड़ूंगा जरूर तुझे, इंटरपोल में हूं मैं, 946 SG हूं मैं, एशिया का सेक्रेटरी जनरल हूं मरियम नवाज, भाग नहीं सकती तू, तू कहीं छुप जा, जमीन के नीचे छुप जा, आसमान में चली जा, मर गई ना तो कब्र में से निकाल लूंगा तुझे, तेरे चिथड़े भी ढूंढ लूंगा मैं, तेरी इस हरकत के लिए तुझे बख्शूंगा नहीं मैं। इतने गंदे गंदे कमेंट इसने कई फीमेल्स को कर दिए, एक पाकिस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जी, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसने मुझे अप्रोच किया, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे मेरी जो है मतलब नॉर्मल लेवल पर बात चलती थी, पर इसने वो नीचता की सारी हदें पार कर दी इस औरत ने, मरियम नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज हम इंटरपोल वाले हैं, पहुंचेंगे तो जरूर उस तक, समझ में आई, और जिस दिन तू हाथ चढ़ गई तेरे पर पाइप तोड़ दूंगा मैं, तू जानती नहीं है मैं कौन हूं, बिल्कुल हूं इंटरपोल ऑफिसर 946 हूं, सेक्रेटरी जनरल हूं, और तेरे लिए तो जरूर हूं
तेरे जितने भाई बाप है ना सबकी अस्तसी मारूंगा। पाकिस्तान में बारादारी, इस्लामाबाद, लाहौर, तुर्की में इन इस्लामिक यूनिवर्सिटियों में सिर्फ यही काम सिखाए जाते हैं। अगर बेटा मेरी ट्विटर आईडी ना खुली मरियम नवाज और तूने बयान नहीं दिया, समझ में आई, तो जैसे तू पिछली बार पिटी थी ना गाने डिलीट करने पे, हैं, वैसे इस बार भी पिटेगी, पर इस बार तू जेल से बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, चलो ढूंढ तो लूंगा भाई, जो बचा सकता है इसे बचा के दिखा दे, वो भी गया काम से। मैं उस महिला का नाम भूल रहा हूँ, वो पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है और काफी मतलब अच्छे लेवल पे है वो, इतनी उनसे सॉफ्ट लेवल पे हमारी बात होती थी उनसे। इस महान नीच औरत ने ये हरकत करी है। मैं FIR रजिस्टर्ड नहीं करा था मरियम नवाज, पिछली बार तो पब्लिक में पिट गई थी ये, पर ये भग गई गाड़ी में। तुझे नहीं पता हम इंटरपोल वाले अरेस्ट कैसे करते हैं, वर्दी वाले नहीं है हम वर्दी वाले, इंटरपोल वाले कभी वर्दी में होते ही नहीं, सिविल में होते हैं। और एक इंटरपोल वाला दूसरे को जानता है कि इंटरपोल में है। सरे आम इसमें लात घूसे पड़े थे, सरे आम, कई दिन तक तो ये इलाज कराती रही थी, सरे आम मारा था इसको हमने, इसका फोन लेना था, फोन तो हाथ लग गया, तब हमें इसका डेटा पता लगा। मेरे फोन से लॉगिन करके फॉरवर्ड लेना बड़ा आसान, हम नहीं करते सब काम, इसीलिए अमिताभ बच्चन ने 6,000 करोड़ रुपए भरे। तुम्हें पता नहीं है इंटरपोल वाले होते कौन है, मैं बताता हूँ, हम वर्दियों में नहीं होते पुलिस की, सिविल में घूमते हैं, हमारा तरीका अलग ही होता, बस एक ही बार बोलते हैं सिर्फ इंटरपोल, अब फिर कूटते हैं तबीयत से, कोई आई कार्ड नहीं, कोई पेपर नहीं, पर पता रहता है हमें कि हम कौन हैं और किस ड्यूटी में, और ड्यूटी यही है हमारे नवाज, और ये ड्यूटी मैं पूरी करके रहूंगा, पहुंचूंगा तो जरूर तुझ तक। ठीक है, इंडिया से बाहर तू जा नहीं सकती, है तू इंडिया में, कहीं हो तू, कहीं हो, तुझ तक पहुंचने की गारंटी है। ठीक है, मर गई तो कब्र में से निकाल लूंगा, ऐसे नहीं मरे नवाज, पूरे पाकिस्तान में ओपन यूनिवर्सिटी मैंने खुलवाई है, ऐसे से ऐसे निपटते हम, एयरफोर्स भी है मेरे पास, मेरी अपनी है। जो हरकत तूने करी है ना, वो उतनी उतनी सीनियर महिला, पता नहीं क्या बात हो रही है, मेरा यार सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड 80 लाख रुपए पर डे तो मुझे वैसे ही मिल रहा है इंटरपोल वालों की तरफ से, ट्विटर का एक एक को पकड़ना है, कौन कौन शामिल था, तू हो, रब्बी पीर ज़ादा हो, जरताज हो, कोई हो, ठीक है, उसके बाद देखते रहो कैसे उल्टा टांग के तरफ पाइप तोड़ते हैं। बड़े प्यार से लॉग इन करके इसने बहुत उल्टे सीधे कमेंट कर दिए, बम धमाके तक की धमकी दे दी, और उन ट्वीट्स को लेकर मोदी को भेजा, मोदी का पैसा लगा हुआ पाकिस्तान के अंदर, जब मैं पैसा लगा रहा हूं तो इनको दिक्कत हो गई, गवादर खरीदने गया। अबे भाई तुम भिखारी हो, तुम्हारे बस की गवादर खरीदना नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा है, 3200 टन गोल्ड में सीपैक खरीदा, बहुत महंगा, तुम भिखारी हो यार, तुम भिकमंगे हो, 3200 टन गोल्ड अगर तुम कन्वर्ट करोगे ना पैसों में, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे,
एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को बोला, दूसरे ने तीसरे भिखारी को बोला, ये जॉय बाइडन हो गया, तुम्हारा मोदी हो गया, नवाज शरीफ हो गया, एर्दोगान हो गया, रईसी हो गया, ये कुछ एक भिखारी इकट्ठे हो गए। अबे 3200 टन गोल्ड में मैंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर खरीदा, मैं इतेज बात कर रहा हूं मरियम नवाज, तुझे पता नहीं है तेरे साथ होने क्या वाला, अभी पहुंचूंगा जरूर तुझ तक, अरेस्ट तो लेंगे तुझे, और आज तक हुआ नहीं है जिसको चाहो से अरेस्ट नहीं लिया हमने, अरेस्ट तो तू होगी, और जिसने तेरी मदद करी, जिस आर्मी ने, जिस बटालियन ने गड़बड़ करी, वही गया काम से। तेरे तेरे दिमाग का जो हैकर है ना, जो तू गैर कानूनी काम करती है, ये सब निकाल देंगे तेरे अंदर से सब। और मतलब ये लगा ले पूरी स्पीड में काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक बंदा पकड़ेंगे जो जो हैकर से, नहीं ये मोबाइल फोन हैक करना, ट्विटर अकाउंट हैक करना, इंस्टाग्राम हैक करना। स्मृति ईरानी जो है इसीलिए तो पिटी थी, क्योंकि उसने मेरा इट्स माय यूनिवर्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड, माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड आईडी डिलीट कर दी, और ट्विटर में लॉग इन करके मेरे ट्वीट डिलीट करने लग गए। कई बंदे पिटे हैं इसमें, कई बंदे। मुकेश मंडल जो भारत में दिल्ली साकेत कोर्ट में महिला, अब पता नहीं कौन सी कोर्ट में चल रहा है, महिला कोर्ट में रीडर की नौकरी कर रहा था, मेरा बड़ा भाई भी है, अब नहीं है। मुकेश तूने पैसे दिए थे ना किसी को मेरा ट्विटर अकाउंट लॉगिन करने के, हैं दिए थे ना तूने, कौन कौन है वो? इसने क्या किया मुकेश ने, कि कई लोगों को या छतरपुर के आसपास पैसे बांट गया 200 रुपए पर डे, और बाइकर गैंग को भी। मुकेश तू बच नहीं सकता, साइबर क्राइम के अंदर तेरी तेरे नाम की एफआईआर रजिस्टर्ड है। मैं मुकेश मंडल की बात कर रहा हूँ, सन ऑफ सुरेश मंडल। तूने मेरा ट्विटर लॉगिन कराने के पैसे दिए थे ना, ये केस रजिस्टर्ड है तेरे पे। मैं इंटरपोल ऑफिसर हूँ, 946 सेक्रेटरी जनरल। तो बेवकूफ समझ रहा मेरे को है? जांच ऐसे चलती है मुकेश? तू बच नहीं सकता। मैंने कहा करने दे ऐसे अभी, और आज तेरी मैंने असलियत बता दी। भग सकता तो भग जियो, तो हाथ चढ़ गया ना हमारे इंटरपोल के अरेस्ट में। अमान से लोन लिया हो चाहे हक्कानी से लिया, हमें मतलब नहीं। कह रहा ट्विटर आईडी खरीदेंगे इसकी, अच्छा जी। यूट्यूब की वीडियो, अच्छा जी। आराम से लॉग इन करके दे दिया और मेरे ट्वीट डिलीट कर रही थी बैठ के एक मैडम। क्यों मैडम जी? फोन लैस का फोन बताते हैं तुझे अभी। इंटरपोल में एफआईआर रजिस्टर्ड है मुकेश तेरे नाम से, दिल्ली पुलिस वाले नहीं है हम। हमारा अरेस्ट करने का तरीका अलग होता है। मुकेश तू इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में आने वाला है किसी भी समय। अगर किसी ने भी मेरी आईडी हैक करी, लॉगिन किया, या मेरा बैंक अकाउंट, कोई भी इंटरनेट से संबंधित क्राइम किया, तो वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में। मैं मुकेश मंडल की बात कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर नहीं समझिए इसमें। तेरे को उठाने की जिम्मेवारी हमारी है, पैसे दिया था ना तूने, दिए थे ना, क्यों भागियो मत मुकेश मंडल, इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर में तो तू था ही था, अब तो रेड कॉर्नर नोटिस में आने वाला है। अपने आप बताएगा तेरे गैंग में कितने बंदे हैं।
तेरे को मैं इंटरपोल में ला रहा था, पर पहले दिन ही रिजेक्शन आ गई थी कि सर क्रिमिनल है ये। इसने मीता जैन ने किस किस ने आईडी हैक करी मेरी? हैं? किस किस ने? ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कहने तो मैं कुछ और वाला था। दिल्ली से बिहार तक नहीं बख्शेंगे। अगर किसी इलाके में ज्यादा हैकर्स होंगे ना तो वही हाल करते जो पाकिस्तान का किया हमने। सोच ले, पूरे बिहार को चेतावनी जारी कर रहा हूं। इंटरपोल, सुना इंटरपोल का नाम 946। मरियम नवाज भाग, कितनी आईडी चेंज करेगी? ईबिक्स कैश में भी मैं ही बैठा हूँ, कितनी आईडी चेंज करेगी? मैं अमान और अकानी को चेतावनी जारी कर रहा हूँ और ईबिक्स कैश को, यदि मरियम नवाज शरीफ को कहीं भी देखा जाए तो इंटरपोल के हवाले करना है। लुकआउट नोटिस जारी हो रहा है मरियम नवाज शरीफ के नाम से। बस ठीक है, कोई हो तुम, कितने लोग हैं इसके यार दोस्त? मुकेश मंडल, लुकआउट नोटिस जारी हो जाएगा तेरे नाम से। हमें बता ना अरेस्ट कैसे करते हैं हम, इंटरपोल वाले, हमारी दिल्ली पुलिस वाले अरेस्ट नहीं होते। तो जितने मर्जी फोन कर ले दिल्ली पुलिस में, तो सुप्रीम कोर्ट चला जा, पीएमओ चला जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर इंटरपोल, राइट? हमारे पास ठीक है। कुछ लोगों को समझाना जरूरी है, ये मोदी हो गया, ये सब लुकआउट नोटिस में चल रहे हैं। बोला ना इंटरनेशनल ऐप है, हैक नहीं करना। एलन मस्क हो गया, इंटरनेशनल ऐप है ये, इंटरनेशनल एप्लीकेशन है ये, हैक नहीं करना इसे, ठीक है? तू मानेगा नहीं, हम तेरे को बताएंगे इंटरपोल की अरेस्ट होती है। मुकेश मंडल को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है इंटरपोल, अरेस्ट वारंट है तेरे खिलाफ मुकेश मंडल, ठीक है? साइबर क्राइम किया तूने।